बिना सहकार नहीं उद्धार, प्रशासन का यह वाक्य सुनने और देखने में तो बहुत ही ठीक लगता है, परंतु धरातल पर कुछ और ही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झागर की सहकारी समिति की, जो अपनी मनमर्जी के लिए जानी जाती है। प्रशासन के निर्देशानुसार सभी सहकारी दुकानों को माह की 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक राशन का वितरण करना होता है, लेकिन हमारी जागर की सहकारी समिति अलग ही नियम अपनाती है। अपनी मनमर्जी से खुलती है और अपनी मनमर्जी से ही बंद होती है। उपभोक्ताओं की परेशानियों से उसे कोई वास्ता नहीं। आज सुबह भी जब यह दुकान सुबह से लेकर 1 बजे तक बंद पाई गई, वहीं इस समिति से लगभग 28 गाँव को राशन का वितरण किया जाता है, परंतु यहाँ पर सब अपनी मनमर्जी से ही चलता है। आज सुबह भी सभी समिति खुलने का इंतजार कर रहे थे, परंतु समिति नहीं खुली। जब हमने खाद्य अधिकारी से संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं दिखवाती हूँ। फिर दोबारा जानकारी लेने के बाद अधिकारी ने बताया कि सहकारी समिति की POS मशीन खराब है, लेकिन समझ में नहीं आता यदि मशीन खराब है तो फिर दुकान के बाहर कोई नोटिस क्यों नहीं लगाया गया, या फिर दुकान खोलकर उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी ताकि सभी इंतजार में बैठे ना रहते। वहीं समिति की शिकायतें भी आती हैं कि यहाँ पर राशन को ब्लैक किया जाता है, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। शिकायतों के बाद भी इनका निराकरण ना होना अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है। कहाँ से आए हो आप? रियाने चक से आए हो? तो अभी तक 1 बज गई, अभी तक नहीं खुली है ये कंट्रोल? नहीं खुली है? तो आप लोगों को परेशानी हो रही होगी? अच्छा, आपका क्या नाम है माता जी? अच्छा, कब से बैठे हैं आप लोग? 10 बजे के बैठे हो, अभी तक कोई नहीं आया है? तो आप सुबह कब से बैठे हो यहाँ पे? 10, 11, 12, 9 बजे था, 8 बजे था। अच्छा, आप यहाँ क्या लेने आई हो? गेहूँ लेने आई, पेट के वास्ते। एक मनक को पूरा किराया भी नहीं दे रहे खाने का साहब हमको। मेरे 30-40 मनक, 10 मनक है, उनमें मेरे को 20 किलो गेहूँ दे रहा है, इतना हरजाना दे रहा है ये बेकवाड़ा। अभी शासन निर्देशानुसार प्रत्येक महीने की 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक दुकानों पर राशन का वितरण किया जाना है जी। तो इस संबंध में हमने औचक निरीक्षण किया है जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में, तो देखा कि दुकान पे बंद पाई गई है, लेकिन बंद होने की कोई सूचना चस्पा नहीं है इस पे। तो सर, एक ही जोर है कि यहाँ पे अक्सर अगर ये खुलती भी है, हमने पहले भी इसको दिखाया है, तो ये 1:30 बजे, कभी 2 बजे, 2:30 बजे खुलती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ अभी आपको कितने लोग मौजूद मिले हैं? अभी तो जो है 3-4 लोग थे यहाँ पर जो है, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वितरण का ऐसा ज़्यादा शिकायतें नहीं आती हैं कि मतलब वितरण ना हो, उपभोक्ताओं को राशन मिलता है। और बाकी इस तरह का अभी हम देखेंगे तो हम फिर आगे भी कार्रवाई करेंगे, जैसे आज करिए। अच्छा, अगर बंद तो अभी और क्या क्या खामियां पाई गई सर? खामियां अब जैसे देखते हैं कि वो मतलब पहले तो क्यों नहीं आया है, दूसरा जो स्टॉक बोर्ड होना चाहिए वो तरीके से प्रदर्शित होना चाहिए स्टॉक और भाव सूची। और खुलने का समय सर? खुलने का समय तो जनरली ग्रामीण क्षेत्र में जो है सुबह 10 बजे से वो लोग खोलते हैं और 5 बजे तक वितरण कर सकते हैं। तो ये अनिवार्य है ना, नियम अनुसार? हाँ, नियम अनुसार खुलना चाहिए। खुलना चाहिए ना? जो संडे का दिन है बस उस दिन को छोड़ करके, बाकी सभी दिनों में दुकान खुलने का प्रावधान है और 21 तारीख की वितरण किए जाना है। झागर से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट।